once again welcome back. So today's video will be make cute heart shaped ring box and diamond ring. So video puri dekhna kyunki fir aapko bahut maza aane wala hai is video mein. Aur uske sabse pehle hame le lena hai pink paper heart wala jo maine cut kara hai, aur sabse uske baad hame le lena hai card jo ki maine heart fold kara tha taki ye mazboot ho jaye, lekin aap cardboard ka use kar sakte ho. तो ये देखिए इस तरीके से कुछ हमें फेविकोल की हेल्प से इसे पेस्ट करना है और फिर इसे हार्ट शेप में ही कट कर लेना है. ये देखिए मैंने कट कर लिया है. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए. तो सबसे पहले हमें 5 and 27 सेंटीमीटर का एक पेपर ले लेना है पिंक. उसके साइडों में मैंने 1 1 सेंटीमीटर का रखा है. उसके बाद हमने दोनों तरफ से जहाँ से हमने 1 1 सेंटीमीटर का रखा है वहाँ पर हमें इस तरीके से फोल्ड करना है स्केल की हेल्प से. तो आप देख सकते हो मैंने फोल्ड कर लिया और एक साइड मैंने कट कर ली जहाँ पर 1 सेंटीमीटर का था. और अब हमें इस तरीके से इसे कट कर लेना है. देखिए इस तरीके से कुछ हमें कट कर लेना. और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. और ये देखिए हमारा हो चुका है. अब ये बहुत यूज़फुल रहेगा. सो ये देखिए गाइस ये कुछ इस तरीके से हमें लगाना है. सो सबसे पहले हम यहाँ पर फेविकॉल लगा लेंगे. उसके ऊपर से मतलब हम इसे इस तरीके से बाद में कर लेंगे फोल्ड. सो ये देखिए इस तरीके से हमें कर लेना है. इसमें टाइम लग सकता है गाइस बहुत. सो मैंने आपको शॉर्ट में करके दिखाया है, वैसे ये एक घंटे में तो बन ही जाएगा. सो ये देखिए मैंने पूरे में कर लिया है. और फिर ये ज़्यादा है तो हम इसे कट कर लेंगे थोड़ा. ये देखिए मैंने कट कर लिया. पीछे से अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इस पर पिंक पेपर चढ़ा दूँगी. इस तरीके से मैंने पेस्ट कर लिया है और अब मैं इसे कट कर लूँगी. सो ये देखिए कुछ इस तरीके से कट हो चुका है. हमारा क्यूट सा एक बॉक्स थोड़ा सा रेडी हो गया. अब इसके ऊपर का कैप रेडी करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक फोम डाल देंगे. ये थर्माकोल है, इसमें से मैंने हार्ट शेप कट करके इसमें छेद कर लिया था. और अब हमें यहाँ पर हार्ट पेपर और ले लेना है पिंक कलर का, लेकिन उसके बीच में भी हार्ट शेप का बहुत बड़ा गैप रखना है. और फिर हमें कार्ड पर इसे पेस्ट कर देना है इस तरीके से. फिर हम इसे कट कर लेंगे अंदर से भी और बाहर से भी. और ये देखिए अंदर से हम कटर से कट करेंगे, लेकिन आपको बहुत ध्यान से करना होगा क्योंकि बहुत डेंजर है. सो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने कट कर लिया है. और ये अभी तो फिट नहीं आ रहा, जब मैं इसे पूरी तरीके से रेडी कर लूँगी तो ये फिट आ जाएगा. देखिए कुछ इस तरीके से हमें 4 and 26 सेंटीमीटर का पेपर लेना है और 1 1 सेंटीमीटर का हमें रख लेना है. लेकिन 1 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर का जो ऊपर है उसे हमें फोल्ड करना है स्केल से. फिर उसमें भी हमें वैसे ही कट मारने जैसे हमने इससे पहली वाली स्ट्राइप में मारे थे. तो ये देखिए हमने सब में मार लिए हैं. और उसके बाद हमें इसके ऊपर वैसे ही बिल्कुल चढ़ा लेना है फेविकॉल की हेल्प से. पहले हमें फेविकॉल लगानी है, फिर चढ़ा लेना है. और ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके से हमें कर लेना है. मैंने कैप भी रेडी कर लिया है. अब इसे थोड़ा डेकोरेशन करेंगे क्योंकि ऐसे तो अच्छा लग नहीं रहा है. तो सबसे पहले हमें ट्रांसफर सीट ले लेनी है. आप कोई सी भी ले सकते हो. तो ये देखिए पिननी है एक. आप अगर प्लास्टिक वाली सीट लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यूज़फुल भी होगी. पर अभी मेरे पास वो है नहीं तो मैं ये यूज़ करूँगी. फिर हमें कट कर लेना है इस तरीके से. हमें बिल्कुल हार्ट शेप में कट कर लेना है. उसके बाद हम इसके ऊपर पिंक पेपर चढ़ा देंगे और शेप में कट भी कर लेंगे. तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने क्यूट सा कैप रेडी कर लिया है. इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे डेकोरेटिव बीट्स से. तो यहाँ पर मेरे पास ये फ्लावर वाले डेकोरेटिव बीट्स हैं. सो इससे मैं थोड़ा गैप दे दे के करूँगी क्योंकि फिर बहुत ब्यूटीफुल लगेगा. तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ब्यूटीफुल है. पर एक्चुअली में ये कैप बहुत हैवी हो चुका है. अब हम डायमंड रिंग बनाएंगे. तो उसके लिए हमें येलो पेपर लेना है 2 and 7 सेंटीमीटर का. उसे दो बार फोल्ड कर लेना है इस तरीके से. फिर हमें इसमें फेविकॉल लगाना है और वैसे ही फोल्ड करना है फेविकॉल लगा के, ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए और हमारी रिंग भी बन सके. तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने रिंग का नाप लेना है. आप देख सकते हो गाइस मैं इसे फेविकॉल से पेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि नाप तो मैंने ले लिया है.
अब मैं इसे फेविकोल से पेस्ट करके इसे ड्राई होने लगूंगी, क्योंकि जो मैंने येलो पेपर लिया था वो थोड़ा कार्ड है, इसलिए कार्ड पेपर इसलिए थोड़ा लेट में होगा। अब देखिए, मैंने एक डायमंड का स्टिकअप पहले से बहुत पहले से बना के रखा था, सोचा था कभी तो काम में आएगा। तो ये देखिए आगे काम में हमारी डायमंड रिंग बनाने के लिए। सो ये देखिए, अब लग रही है ना बहुत अच्छी रिंग। तो अब मैं इसे फेविकोल से पेस्ट करके थोड़ा सा ड्राई होने रखूँगी। तो ये देखिए ड्राई भी हो चुकी है, और मुझ पर मतलब ये आप ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही अमेजिंग है। और ये देखिए मैं डायमंड रिंग इसमें रख देती हूँ, और ये कैप भी रख देती हूँ, लगा देती हूँ। लेकिन मुझे इतने मज़े आ रहे हैं इसे चढ़ाने में, इसे ओपन करने में, कि मैं तो रख ही नहीं पा रही हूँ। और अब देखिए कुछ इस तरीके से मैं आपको ये दिखा रही हूँ ओवरव्यू। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है, बहुत ही मज़ेदार है, और इसे ट्राई करना मत भूलना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, इसे ट्राई करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।